सोनी देवी नाम है। क्या हुआ जी, क्या 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 हुआ जी? जो लड़की को जबरदस्ती छेड़ रहा था। कौन था जी? बंदे और जितेंद्र। आप कहाँ पे थे? हम थे दीदी के घर पे, बस 5 मिनट के लिए गए थे, उसके बाद मैं आ गई, मैं देख लिए, फिर दरवाजा खोल के मैं देख लिए। आपने क्या देखा, क्या हो रहा? उसके ऊपर मतलब अपने चीज वो कर रहे थे। कितने साल की लड़की थी? 7 साल की है। कौन था लड़का, कौन था? 42 साल का लड़का है। आपके को नहीं, बगल में रहते हैं। आपके पड़ोस में रहते हैं? बगल में रहते हैं। बगल में रहते, कोई आपका लड़ाई झगड़ा था? नहीं कुछ नहीं, कुछ नहीं। फिर उसने बच्चे के बहकावा में दे दिए ना, बच्चे को चीज फुसला लिए, चीज छूच दे के, पैसे पुसे दे के। बच्चे आते जाते थे, मुझे तो पता नहीं था। आप मेरे को इंसाफ चाहिए बस, सजा करवाना। अभी आपका कहाँ रहते हो, आप कौन से एरिया में? लक्ष्मी विहार। लक्ष्मी विहार राम वाली चौक आगे? नहीं 88 फुट रोड पे। ठीक है जी। हाँ जी, बच्ची हैगी है 7 साल की, ये बेसिकली मुजफ्फरनगर के रहने वाले है, तो इतने रेंट पर ही रेंदे ने। माँ भी घर से लोगों के काम करती है, तो फादर भी मेहनत मजदूरी करता है। उत्थे एक होर नेड़े किराएदार जिहड़ा है 40 साल की एज है, जितेंद्र, वह रहिंदा है। उन्हें उहदे नाल जिहड़ा है ਰੇਪ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਸਕੋ ਅਤੇ 376 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕੇਸਿਸ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਰ ਕਾਰਨ ਕਿਹੜਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘੇਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਫਰਕ ਪਾਇਆ ਜੀ, ਕਿ ਕੋਈ ਲਾਜਤ ਪਾਟੀ ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਨਾ, ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਪੁਸਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ? ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫੈਕਟਸ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਫਿਲਹਾਲ। ਅੱਜ ਹੀ ਸਵੇਰੇ ਅਰਲੀ ਮੋਰਨਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਇਓਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਫਰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਸਰ, ਉਹਦਾ ਜਿਤੇਂਦਰ ਜੀ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਰਿਲੇਟਿਵ ਸੀ ਵੈਸੇ? ਨਹੀਂ ਰਿਲੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਵੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕੋ ਘਰ 'ਚ ਸਾਰੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਰਹਿੰਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਗਰੀਬ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਇੱਕ ਘਰ ਰੈਂਟ 'ਤੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਹਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਅਜੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸ਼ੋਰਟ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ, ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ।